न्यूमरल एडजेक्टिव हम लोग देख रहे थे। देखो इस चीज को समझो, मैं जो बोलना चाह रहा था वो पॉइंट रह गया। देखो सारी की सारी चीजें आपकी उंगलियों पर आ, उंगलियों पर होने से मतलब है कि मान लो आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो आप नाउन पढ़ा अपने आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितने तरह के नाउन, आप सोचते हैं। दूसरा क्या है, सिंगुलर फॉर्मुलर प्लूरल होते हैं, इसके अलावा और क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन में तीन तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में बांट दिया आपको, पूरे के पूरे रूल्स है ना उंगलियों पर हाथ है ना। और फिर आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कितने ऐसे यस वाले रूल्स थे हमारे जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के थे, वर्ड कौन कौन से थे भाई है ना, उनमें से कुछ ऐसे अब्बाद एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्शनल केस भी थे जो है ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या है काफ़ी मतलब कोई रूल नहीं है इनका, इरेगुलर तरीके से चेंज हो रहे थे ताकि नहीं था। अगर नाउन के बारे में हम लोग बात करें, इनमें नाउन में केस भी थे हम लोगों ने चार पढ़े थे, जेंडर हम लोगों ने पढ़े हुए चार, नाम जैसे ही लिया चीज हमारे दिमाग में आता है, वैसे ही हम लोगों ने जैसे प्रोनाउन पढ़े तो प्रोनाउन पढ़ने के बाद में आप लोगों को तुरंत पता होना चाहिए कि नौ तरह के कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, नौ तरह के प्रोनाउन होते हैं, नौ ही तरह के जो प्रोनाउन है उनमें से भी हर प्रोनाउन के अंदर भाई वर्ड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा था हमारा है ना, इसके बाद में हमारा क्या है पर्सनल के बाद में कौन सा आ रहा था, सेल्फ में कौन कौन से थे हमारे, डेमोस्ट्रेटिव में कौन से थे, डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो एक एक वर्ड हमारा क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। जब आपको नाम ले दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो आप क्या करते हैं, वो वर्ड आपके माइंड में आ जाए कि अच्छा ये चार छह वर्ड थे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, कौन कौन से भाई, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ रहे थे है ना। इसके बाद में रिलेटिव कौन कौन से हैं हमारे है ना, इंडेफिनेट कौन कौन से हैं, उनके रूल्स क्या क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स क्या करवा रहा हूँ, एडजेक्टिव्स में आपको लाइन से पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रूल भी बता देता हूँ क्या है पता है, दो दिन में एडजेक्टिव्स पता, और फिर भी मैं तुम्हें पूरे के पूरे एडजेक्टिव्स पढ़ाने के लिए एक एक बारी एक एक रूल बताया जा रहा है उसके पीछे केवल इतनी लॉजिक मतलब लॉजिक मेरा ये है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो स्टूडेंट्स को एक एक पॉइंट एक एक चीज़ उनको पता चल जाए तो बाद में तो हम लोगों को क्लियर होगा ना, और उसका रिजल्ट ये है कि आप लोग रिपीट करके भी नहीं देखते, एक बार में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं जो भी न्यूमरल एडजेक्टिव तक हम लोग पहुँच गए, तो न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले हम लोग कौन कौन से और एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, प्रॉपर पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव थोड़ा हम देखिए कौन से होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो क्या होते हैं प्रॉपर नाउन से मिलकर बनाए जाते हैं, उनको क्या बोल रहे होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। दूसरा हमारा क्या था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या है रंग रूप आकार दोष है ना गुण भेद इन सबके बारे में बात कर रहे थे, जो क्या था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था, ठीक है कि नहीं है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था क्वान्टिटेटिव, और उसके बाद में चौथा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है ये न्यूमरल एडजेक्टिव, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। आज न्यूमरल एडजेक्टिव के कुछ निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, न्यूमरल एडजेक्टिव कई तरह के होते हैं, नंबर में भी आप लोग देखिए नंबर में भी बोलने का तरीका कई अलग अलग तरीके से होता है। एक तो आप वन टू थ्री करके बोल रहे हैं भाई, वन टू थ्री करके हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या है काउंट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कई बार चीज़ों को कुछ इस तरीके से बोला जाता है जैसे क्लास में है ना, तो वहाँ पर क्या है अगर रैंक के बेस पर हम लोग बात करेंगे बोलते हैं ना कौन सी रैंक है फर्स्ट रैंक, वहाँ पर ये थोड़ी ना बोलेंगे वन रैंक नहीं बोलते ना है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही बोलते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से हम लोग रैंक के बेस पर देखते हैं तब ऐसे ही बात करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को जो अब ये है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी नंबर ही है, और दूसरा हमारा क्या बोलेंगे वन टू थ्री ये भी नंबर में ही आ रहा है, तो इनको हम लोग किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है न्यूमरल में उसी को बताया कि न्यूमरल एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है देखो आप, डेफिनेट न्यूमरल न्यूमरल नंबर सॉरी न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इसमें हमारे तीन है, और ये तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनने की गुंजाइश होती है, थोड़ा गौर से देखना एक एक चीज को, इसमें गौर से समझने की कोशिश करना। इसमें देखो पहला क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू मींस मेनी पार्ट्स, फर्स्ट हमारा कौन सा आ रहा है डेफिनेट, ये डेफिनेट है कि नहीं, अच्छा जी बताओ डेफिनेट है कि नहीं है, डेफिनेट कैसे पता चल रहा है डेफिनेट है, काउंटेबल है तो कैसे पता चले काउंटेबल है, कोई नंबर दे रहे हैं फिक्स इससे पता चल रहा है तो वो क्या हुआ फिर डेफिनेट हुआ। डेफिनेट में हमारे ये कितने तरह के हैं, तीन तरह के, कौन कौन से, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव ठीक है। अब कार्डिनल कौन कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल हमारे कौन कौन से हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये कौन से हमारे ऑर्डिनल, और मल्टीप्लिकेटिव कौन कौन से हमारे सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल है ना जो मल्टी दर्शा रहे हैं है ना।
अब इनको इनका भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसके बाद में कौन सा हमारा यूज होगा। अब यहाँ पर इसके रूल्स को देखो, यदि किसी वाक्य में तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इस प्रकार के क्रम में रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग कार्डिनल नहीं रखने वाले, अगर किसी एडजेक्टिव मतलब किसी सेंटेंस में ये तीनों एडजेक्टिव एक साथ में पाए गए हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो क्या होगा, सबसे पहले हमारे कौन से आएंगे, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा हमारा कौन सा आएंगे, कार्डिनल। और थर्ड हमारा आएगा क्या, मल्टीप्लिकेट। समझ पा रहे हो, इसको विशेष गौर कर लेंगे इस पर आप लोग, इसको इस तरीके से भी हर चीज के लिए आजकल क्या है, ट्रिक तो कुछ नहीं है, बाकी आप लोग इस तरीके से कर सकते। जब आपको कभी भी क्या करना है, न्यूमरल में ऑर्डर ऑफ जो क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव को दर्शाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते, O, C, क्या इसको याद रखना है आपको, O, C, ऑर्डिनल, कार्डिनल और इस ऑर्डर में हम लोगों को हमेशा रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट हम लोगों को क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो आप, बताओ यहाँ फर्स्ट, दे हैव रेड द फाइव फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पर फाइव हमारा क्या है भाई, फाइव हमारा क्या है बताओ, कार्डिनल है, फर्स्ट हमारा क्या है ऑर्डिनल। अब इसमें दो ही है, दो ही है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स मीन्स सुनने में क्या लग रहा है, दे हैव रेड द फाइव फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। बहुत मतलब कोई अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है ना वो इतनी जल्दी उस सेंटेंस को कभी छू ही नहीं सकता, कि ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, समझ पा रहे ना। हालांकि सुनने में भी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, वो कब लगेगा जब हम लोगों ने इसके पहले ही उसको पढ़े हुए या फिर उसके पहले सुना हुआ है। तो क्या है, दे हैव रेड द फर्स्ट फाइव चैप्टर ऑफ दिस बुक, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ये इधर हो जाना चाहिए ये इधर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। इट मीन्स क्या है, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग एंड दिस वन विल बी करेक्ट। सेकंड, यू हैव टू वैकेट द फाइव फर्स्ट सिंगल रूल। अब यहाँ पर बताओ फर्स्ट हम लोग क्या है, पहले ये, दूसरा क्या है जो कि क्या है ऑर्डिनल हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, फाइव जो कि क्या हो गया कार्डिनल हो गया। फिर इसके बाद में हमारा क्या, सिंगल जो कि क्या है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, कैसा सेंटेंस बनेगा, वी हैव टू विकेट द फर्स्ट फाइव सिंगल रूल, फर्स्ट फाइव सिंगल रूल, पहले पांच सिंगल रूम क्या है बुक कर रही है। तो क्या है, समझ पा रहे हैं ना बात को, क्या हो रहा है ये, और एंड है ना, समझ पा रहे हो बात को, आई थिंक इजी हो जाएगा क्या, शॉर्ट फॉर्म आप हमेशा याद रख सकते हैं क्या, वो चीज ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे अगर लाइफ को देखें तो मतलब वोकैबुलरी याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, उसी से रिलेटेड ये न्यूमरल एडजेक्टिव से रिलेटेड आपका आता है भाई। न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हम लोग दो पार्ट में कर रहे हैं जनरली डिवाइड, दो पार्ट में और भी देखेंगे अगर होंगे। अब फर्स्ट चीज जो समझने लायक है, मीनिंग याद करने की एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत पर्सनली आई विद दिस। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्या याद करनी है, वर्ब याद करनी है, क्या याद करनी है, वर्ब याद करनी है। तो सोच कर देखना, कुछ ऐसा हो जाए कि अगर आप 10 वर्ब्स याद कर रहे हो, 10 वर्ब्स के बाद में क्या हो जाए, 20 हो जाए, इज इट पॉसिबल। आप याद कितनी कर रहे हो, 10, वो कितनी जाए, 20। देखो वर्ब याद करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर मैंने कहा गो, जिसका मतलब क्या है जाना, अब इसका अपोजिट वर्ड क्या है, क्या हो जाएगा, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, चुप रहने को क्या बोले, हाँ साइलेंस, क्वाइट, हाँ और भी राइट, एक एक वर्ड फटाफट मैं बोलता चलूंगा आप दूसरा बता चलेंगे, राइट, अरे राइट मतलब लिखना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, हाँ रीड, अगला लाफ, अपोजिट वर्ड बताएं मुझे, हाँ करेगा, चलो अगर अगला मैंने कहा यहाँ पर सिट, स्टैंड,
समझ रहे हो ना। और आगे अब ये तुम सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला सिस्टम है ना, क्या करते चले अपोजिट वर्ब को देखें, जैसे क्या है पुल, क्या हो जाएगा पुश, ओपन, क्लोज, समझ रहे हो ना, देखना क्या हो जाएगा हाइड है ना। और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़े तो क्या जागना, जिसको क्या बोलते हैं गेट अप, क्या हो जाएगा स्लीप, समझ रहे हो ना। अगर एक वर्ड याद करना हो तो अपोजिट यहाँ पर देखना, यहाँ पर डेफिनेट हम लोगों को मिल गया तो हम लोगों को ये समझ में कि न्यूमरल में हमें क्या और मिलने वाला है, क्या और मिलने वाला है, डेफिनेट हमारे पास थे, अब देखो इनडेफिनेट। इनडेफिनेट तुम ही मुझे बताओ, इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं न्यूमरल में भाई। यहाँ पर सम एक वर्ड है, सम क्या है डेफिनेट है और इनडेफिनेट है, और सम कौन सा है भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सम इज मीन सम कैन बी यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और बोथ, दोनों को हो सकता है ना, तो किसके लिए यूज, दोनों में कर सकते हैं। अब ये कुछ क्या है, काउंटेबल के लिए दर्शाना है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये क्या है, ये इनडेफिनेट है, यहाँ पर कोई डेफिनेट फिक्स नंबर तो है नहीं, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैं कहूँ इनफ, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी ए एन, अ लॉट ऑफ ए एन, अगर यहाँ पर देखें तो ए एन तो डेफिनेट है ना, ए एन क्यों लिखा हुआ है बताएगा मुझे कोई, बताओ फटाफट, एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहां पर जो क्या लिखा हुआ है, जो ए है ना वो यहां पर भी लगा हुआ है, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, उस सेंस में लिखा हुआ है, वहां पर क्या है, अब वो नंबर को दर्शाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, समझ रहे हो, पर्टिकुलरली एक के लिए भी नहीं कह रहे हैं। लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये भी आप लोग जानते हैं, प्लेंटी ऑफ के बारे में मैंने तुम्हें बताया, लॉट ऑफ के बारे में भी बताया, तो ये क्या है, वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसके तरीके से क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर, इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, यदि डेफिनेट, इसमें एक नोट और है, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, यदि डेफिनेट और इंडेफिनेट न्यूमरल का प्रयोग एक साथ, गौर करना थोड़ा, जहां पर कंफ्यूजन लग रहा है वहां हमें गौर करते चलो, डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों को लग रहा था, अपने आप अगर तुम पूरी तरीके से क्या है इंग्लिश को समझने की कोशिश करोगे ना, तो एक चीज चूज कर पाओगे, खुद निकाल पाओगे क्वेश्चन कहाँ से बनते, क्योंकि जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो तो जनरली क्या है आप कर ही दोगे, याद भी आ जाएंगे हम लोग। अब बात करें क्या, कि यदि डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल का प्रयोग एक साथ में प्रयोग किया गया हो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इनडेफिनेट, दूसरा कौन सा आएगा, डेफिनेट न्यूमरल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, देयर आर सिंगल वेरियस रेंज, अब मुझे बताओ यहां पर देखो वेरियस क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वेरियस कैन बी यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पूछकर बताओ भाई, वेरियस जो वर्ड है एडजेक्टिव, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा कि अनकाउंटेबल के लिए, फिर अनकाउंटेबल कहे जा रहे हैं, यहां पर भी किसके लिए यूज हो रहा है, काउंटेबल के लिए, फिर मैं पूछ रहा हूँ वेरियस मतलब क्या, अलग अलग भिन्न, यही मतलब होता है ना, तुम लोग क्या बोल रहे हो अनकाउंटेबल, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है, वेरियस इज इंडेफिनेट न्यूमरल, न्यूमरल है तो काउंटेबल के लिए ही होगा ना, समझ पा रहे हो, और न्यूमरल है तो काउंटेबल के लिए होगा, तो अब यहाँ पर क्या है, दो है हमारे पास, डेफिनेट और इंडेफिनेट। पहले क्या देख रहे थे, इसमें हम लोगों ने कितने तरीके से डिवाइड किया, डेफिनेट जो थे वो तीन तरह के थे, डेफिनेट भी कितने तरह के थे, तीन तरह के, उसमें कौन कौन से हमारे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, और इंडेफिनेट में अगर क्या है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इंडेफिनेट हम लोगों ने देखे तो क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेट और इंडेफिनेट में भी अगर एक साथ में प्रयोग किया जा रहा है, पहले कौन सा आएगा इंडेफिनेट, फिर कौन सा आएगा डेफिनेट। अब यहाँ पर देखो वेरियस किसको दर्शा रहा है, इंडेफिनेट किसको दर्शा रहा है, बाकी है तो न्यूमरल, अब देखो तो क्या आना चाहिए, इट विल, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स, इट विल बी करेक्ट, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट्स, आई मैट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं है, मतलब यहाँ पर ये एग्जाम्पल केवल इसलिए है कि आप क्या करें खुद से भी इनको बाद में, जब एक एक एग्जाम्पल जो दीजिए मिल रहे हैं ना, बाद में इस टाइप के एग्जाम्पल्स मिले तो आप उनको क्या कर पाए, और
अब आपको जो एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ना, इन सारे एडजेक्टिव्स में से आप एडजेक्टिव की क्या है तो नोट जरूर तैयार कर लेना। क्या है इन पॉइंट्स को की पॉइंट्स में लिख लेना, आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला देखिए डेमोंस्ट्रेटिव। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथ खड़े करना है आप लोगों को फटाफट। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि भाई डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने हैं? अच्छा ये बताओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, इसको ऐड करेंगे नहीं, बताओ कितने हैं? 5 हैं। मालूम है कि नहीं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन? मैंने बताया था डेमोंस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर भी लिखा हो? नहीं है, चलो ठीक। डेमोंस्ट्रेटिव क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव मतलब संकेत वाचक, और वही का वही चीज कहाँ पर यूज की जाने वाली है? जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जो वर्ड तो वही है हमारे पास, कौन कौन से वर्ड हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कौन कौन से थे? दिस दैट, दिस दैट, दीज, दो। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं उनमें, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में कैसे डिफरेंस मालूम? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दिस दैट दिस वर्ड, यहाँ पर दिस हमें मालूम है, दिस यूज होना सेंटेंस है। अब दिस वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है वो एज अ एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है कि एज अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया? बोलो। पहला सेंटेंस क्या बोल रही है? दिस दिस इज माय पेन। इसमें क्या है? यहाँ पर तो ये माय की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है? दिस क्या बोलना चाह रही है? दिस क्या है? एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा अगला सेंटेंस क्या होगा हमारा? दिस दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पर क्या क्या के तरीके से प्रयोग किया जा रहा है? एज एन एडजेक्टिव। अगर किसी को इसमें डाउट है क्या, समझ पा रहा ना क्या डिफरेंस है भाई? एडजेक्टिव की खास बात क्या होती है? व्हाट इज द मीन्स क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव की क्वालिटी जनरली क्या होती है नाउन की? अच्छा चलो ठीक है। वंस अगेन एक और चीज, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। और बाद में प्रयोग किया जाता है तो प्रेडिकेटिव। ये मालूम है कि नहीं है? लोगों ने कल देखा था इसको, यहाँ पर ध्यान रखना ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकते हो द थ्रेड पेन इज माइन, है ना, वो भी वहां पर क्या है एडजेक्टिव का सेंस दर्शा रहा है। देखो वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर को नाउन को नाउन या प्रोनाउन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे एडजेक्टिव को डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल है, हम लोगों को वर्ड है जो दिस दैट दीज दोज वर्ड है वही हम लोगों के लिए क्या है एडजेक्टिव, और वही क्या है हमारे लिए प्रोनाउन। परंतु क्या होगा सेंटेंस में उनकी पोजीशन देखकर पता चलेगा, स्थिति देखकर पता चलेगा, क्या देखकर पता चलेगा कि वो वहां पर एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। गौर करना इन सब चीजों पर। एग्जाम्पल देखो ये तो हमारे पास है दिस दैट दीज दोज, और यहाँ पर कुछ और भी सर्टेन अदर सच एनी, इनको भी गौर करते चलना क्योंकि है ना सर्टेन थिंग्स, हम लोग को सुनिश्चित चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। सर्टेन मीन्स दी फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स डोंट लाइक इन माय लाइफ, है ना अदर्स। अब इन कुछ एग्जांपल्स देख लो। कुछ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर कर लेंगे। कुछ ऐसे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो उन पर देखकर बताओ कौन से हैं भाई सिंगुलर, जिसके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंगुलर का करना चाहिए, कह सकते हो ना खुद से। बस दूसरा बताओ दैट के साथ में सिंगुलर, और बताओ यहाँ पर एनी वन, इसमें सिंगुलर प्लूरल, एनी के साथ में प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर यहाँ पर देखो। अब देखो इसमें एडजेक्टिव दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यहाँ पर देखो तुम तो,
ये पेन के पहले है, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा है यहाँ पर, दूसरा क्या है इस पेन की क्वालिटी क्या है, राइट, दिस पेन इज रेड, तो वहां पर दिस किसके तरीके। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दिस वहां पर एडजेक्टिव है तो फिर रेड क्या है, क्या भाई बताओ फटाफट। यहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि दिस यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो रेड क्या है फिर, बोलो इन द सेंटेंस टू एडजेक्टिव कैन बी कम टुगेदर, आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, अगर 10 में से अगर हम लोग देखें तो कौन सा है, क्वालिटेटिव है ना, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है कि नहीं है, रेड जो क्या है कलर को दर्शा रहा है, और ये कौन सा है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। दिस पेन इज कॉस्टली, सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पेन की क्या है विशेषता बताने का काम किया जा रहा है, और हम लोगों ने ऊपर ही क्या लिखा है, वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। सीधा हम लोगों ने क्या है, अगर प्रोनाउन पढ़े हैं तो हम लोगों को वो चीज कोई बहुत ज्यादा बड़ी विशेष नहीं रही, क्योंकि वर्ड वही है हमारे पास। अगला देखें, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा केवल प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं, कौन कौन से भाई, दीज दोज, जिनके साथ हमेशा कौन से किसका करेंगे, दीज और दोज इस प्रकार के हैं, इसके साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, देखिए दीज दोज सर्टेन, सर्टेन में भी हम लोग क्या है प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर को दर्शाएंगे जो होता है, जिनको हम लोग ऑलरेडी, और अदर इसी प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें भी थोड़ा सा गौर करना, आपको सेंटेंस बनाकर हम लोग क्या दे देंगे, व्हाट्स हैपनिंग, आपके सामने मैंने क्या कर दिया, 56 तरह की, मतलब 56 वर्ब की थाली लगा ली, इसमें तरह तरह के व्यंजन हैं, बहुत स्वादिष्ट, देखकर क्या है खाना खाने का मतलब क्या है, मन करने लगा, ठीक है कि नहीं, और एक से एक स्वादिष्ट लजीज खाना बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है, और तुम्हारे पास बड़ी सी जो थाल है, लेकिन सामने तुम्हारे क्या हो रहा है, सामने एक व्यक्ति है वो तुम्हारे सामने वॉमिटिंग कर, अब बताओ Will you be able to take the food or not? Why? Answer me. Why? तुम्हारा 56 प्रकार का धरा का धरा रह जाएगा, अगर वो 56-57 भी होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सेम सिचुएशन है कि नहीं, जैसे आप कहीं सफर कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं, आपको बोल दिया, आई थिंक पर्सनली आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, खराब होता है कि नहीं होता, समझ रहे हो ना बात को, तो इसका फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ता है, इससे आपको सामने वाले को भी तकलीफ होगी, कहने का मतलब है आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, जैसा आप देखते हैं ना वैसा ही आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है, इसका एक एग्जांपल कहीं दिया जाता है, तो कसाई लोग भी गुजर खाने पर बैठे रहते हैं, उनको कभी सामने जाकर देख रहे हैं तुम्हें क्या होने लगे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट वॉमिटिंग, ओके, तो क्या है द थिंग जो तुम्हारे सामने घट रहा है ना, उसको देखकर तुम्हारी बॉडी पर भी क्या पड़ने वाला, इफेक्ट पड़ने वाला, इम्पैक्ट पड़ने वाला, समझ रहे हो ना बात, तो तुम सोचो अगर तुम सामने से मुझे क्या दिखोगे, ऐसे अगर मंडराते हुए दिखोगे तो व्हाट आई विल डू, मुझे किस टाइप की, क्या मेरे एग्जांपल सही होंगे, हाँ, अब वो मैं तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं समझूं तो फिर मेरी को कौन समझेगा, हाँ समझ रहे हैं बात है? क्या है, और इस चीज को विशेष याद रखना, मैं आप लोगों को आज एक खास बात बता देता हूँ, पढ़ाई करते कैसे, पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, पढ़ाई करने के कुछ तरीके जो मैं आप लोगों को, व्हाट आई डू पर्सनली, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो पढ़ाई का कतई मतलब नहीं है कि आप केवल और केवल क्या करें, मतलब उसको दिखाने के लिए पढ़ना, मेरा कतई पर्पस क्या था, अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे किसी व्यक्ति को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, आई नेवर प्रूव, क्योंकि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर प्रूव करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, तो अच्छी है, ठीक है, एक चीज, दूसरा क्या है, एजुकेशन ले रहे हैं तो इसमें क्या है, क्योंकि आपको दूसरों को नहीं दिखाना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको खुद को देखना है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं आप खुद से भी कंपटीशन कर सकते हो, दूसरा क्यों ये बोल रहा हूँ कि अगर आप हर घंटे में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक घंटे में आप पढ़ रहे हैं,
आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटे बाद आपको हर घंटे रिलैक्स लेना, मिनिमम फॉर 2 से 5 मिनट्स। और अगर आप जब 6 बजे तक, अगर 6 बजे से आ गए और फिर बैठे हुए, तो आप पढ़ भी अगर बैठे हुए ना, तो कोई मतलब क्या थोड़ी ना। इट इज़ फार बेटर दैट यू विल बी एट योर होम एंड यू विल गेट रिलैक्स, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। समझ पा रहे हैं ना बात? तो क्या ऐसा कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ, मतलब जो लोग काफ़ी अमीर हैं या जो भी लोग ग्रेट रहे हैं, उनके बारे में मैंने जो जहाँ तक ऑटोबायोग्राफी उन लोगों ने पढ़ी है, सारे लोगों के अंदर एक कॉमन बात है जो मैंने पढ़ी हुई है कि जितने भी महान ग्रेट लोग रहे ना, सारे लोगों के अंदर एक खास बात है, इनका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, इसलिए ये लोग बहुत अच्छा है। और स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि घूमते बहुत है, घूमते बहुत है मतलब जगह जगह जाते हैं। आप भी मैं क्या कह रहा हूँ, घूमे मतलब, घूमने से मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया है उसको अच्छे से घूमोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ करी लोगे। अगर घूमने से क्या होता है, हमारा मेंटल रिलैक्स होता है कुछ वैसे ही। अगर आप हर घंटे में भी थोड़ा दौड़ा रिलैक्स ले रहे हो ना, तो आपके मेंटल भी बहुत अच्छा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो क्या है, इतनी ज़्यादा हार्डवर्क ना करें कि हमें पता चला कि कहाँ से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स कम टू पॉइंट। क्या कुछ ऐसे डेमोंस्ट्रेटिव क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कौन कौन से, दोबारा से उंगलियों पर लिख सकते दीज दोस सर्टेन और अदर्स, ये कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। रूल है जो हम लोग बीच में से क्या है, आप एग्जाम्पल्स अगर आएंगे तो देखिए। दीज बॉयज आर गुड, इज देंटेंस इज करेक्ट और नॉट। These boys are good. These के बाद में जो noun है वो first क्या होना चाहिए, plural होना चाहिए, तो correct है। Certain boys are good. And what is the difference between these and certain? Certain boys of these are, क्या difference है भाई, क्या difference होगा इन दोनों में, बोलो फटाफट। अभी हाल थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया। These और certain इन दोनों में क्या difference है? यूज नहीं करते हैं ये इनको, ये तो भाई ठीक है, इनमें कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के बारे में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं ये इन दोनों की हिंदी मीनिंग पूछना चाह रहा हूँ। हाँ तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, वो बोलो क्या है। दीज यहाँ पर किसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पास की चीजों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तब कहाँ क्या हो प्लूरल हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहां पर सर्टेन किसको दर्शा रहा है, कुछ निश्चित तरह की है ना, यहाँ पर छांट दिए हैं कुछ निश्चित तरह के लोग है ना, कुछ इस तरह के लोग है ना, कुछ इस तरह की चीजें वहां पर जो निश्चित है उनके ही बोला जा रहा होगा। दोज बॉयज आर गुड, यहाँ पर ये भी ठीक है। अदर बॉयज आर गुड, आई कैन हेल्प यू इन, आई कैन हेल्प यू ऑन सर्टन कंडीशन। अब यहाँ पर देखो ये सर्टन यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन में एफ लगना जरूरी है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल, ये यहाँ पर जो चार लिखे हुए ये इजीली कैन बी, इट कैन बी डन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आई कैन हेल्प यू इन सर्टेन कंडीशन, अगर इतना भी बोल दिया जाता तो कोई कंफ्यूज हो जाता। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि उसने मामूली सा एक क्या कर दिया यहाँ पर, एस को ध्यान रखते चलना है, सर्टेन कंडीशन, ठीक है कि नहीं, तो थोड़ा सा गौर करना। ठीक, पढ़ते हैं आगे। कुछ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन का प्रयोग किया जा सकता है, और यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्या सच और एनी, दोनों आ रहे हैं, सच और एनी इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। एनी जनरली क्या है, एनी क्या होता है एक्चुअली में, सिंगुलर के लिए ही दर्शाया जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ कंडीशन अपन लोग देखेंगे, अगर कोई ऐसा एक एग्जाम्पल अगर हमारे पास है तो हम लोग एग्जाम्पल इसका देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा ये, कि कुछ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों का साथ में प्रयोग किया जाता है, है ना। सच और हमारा क्या है अनदर, इसका कोई एग्जांपल ध्यान में आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एग्जांपल मैं पूछूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये तो तुम समझ गए होगे, अगर यहाँ पर देखें मतलब जो है ये सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है ये, तो पूछूंगा तुम्हें बताएगा, पढ़ता हूँ बताओ इन दोनों सेंटेंसों में कौन सा सेंटेंस है ये, बताना नहीं है भाई इन दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस चाहिए, ये तुम्हारा बता देगा कि यू आर हेयर और समवेयर एल्स। इन दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस सही है और गलत है, मुंह जल्दी खोल देते हैं। हाँ फर्स्ट वाला, एक व्यक्ति हो गया,
पास। बोलो कौन सा सही है। सेकंड ठीक है, दो हो गए। उधर से पीछे से बोलो कौन सा सही है। दोनों सही समझ रहे हो ना, कौन से सही है तुम सोचो। मैंने बोला था ना कि ये बताएगा कि तुम यहाँ पर हो या नहीं। ये हम लोग रिपीट क्या कर रहे हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं, और दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं तो दोनों ही सेंटेंस सही होना चाहिए। समझ रहे हो ना, सुनना क्या चाह रहा था। दोनों ही करेक्ट हैं, सच बॉय इज गुड और सच बॉयज। अब इसमें फर्क केवल इतना है कि सच अगर बॉयज लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन का प्रयोग मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, बस करेक्ट हो गया सेंटेंस, है ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये प्लूरल को दर्शाने लगे। थोड़ा दिमाग खुल कर बैठना, छोटे छोटे शुरू है। नोट देखो, अनादर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ साथ का था, अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। इसको भी गौर करना, अनादर के बाद में हमेशा कौन सा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर। अनादर और मीन्स अनादर और अदर भी क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, और अनादर के साथ में क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन, और अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन। आई हैव डन अनादर वर्क, आई हैव डन अदर वर्क। यहाँ तक प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो जहाँ तक नोट किया लोगों को, वो आई हैव डन अनादर वर्क ये सेंटेंस तो सही बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो, है ना, आई हैव अनादर वर्क। लेकिन अदर के बाद में भी वो क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करते देखा है मैंने। तो क्या करना है, अदर के बाद हम लोगों को क्या करना है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, अगेन सच अ बॉय, सच बॉय, सच मेल। भाई देखो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, करेक्ट बोलो। हाँ ऊपर वाले दोनों गए, जब वो तुमने कहा कि मैं आई आई कैन, जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में हुआ करता ना तो उस टाइम सर पढ़ाने आते थे तो टेबल्स थे, और एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑन दैट टाइम। तो 19 का टेबल है ना, वो बहुत कठिन है कि ना। तो बाकी तो मुझे सारे याद थे, और 20 का सरल, 20 का सरल होता है, ये काउंट कर करते करते ही चले। तो जब क्या है, पूछने का टर्न होता था ना तो झूठ बोल देते थे, आ गया हाँ याद हो गया, और 19 का निकलना बस, फिर अंदर से कोशिश करें भगवान 19 का छोड़ के बाकी कोई सा भी पूछ नहीं, है ना। दूसरा और फिर क्या है, इधर उधर देखने लगो सर पूछेंगे, आई हैव डन बट अब नहीं, फिफ्थ क्लास में यहाँ पर, यहाँ पर देखें ये क्या थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है। चलो बोलो बोलो यहाँ और आगे, तो तीनों मैच कितने सही रॉन्ग है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोलो, सही है कि नहीं है। सही है मतलब फिर तीनों सही है। हाँ सोच लो अच्छे से, बोलो इधर, कंफ्यूज हो, थर्ड वाले हैं, थर्ड के थर्ड। बोलो लड़का, अगर पीछे होते उधर बोलो, थर्ड वाला रॉन्ग है, सब सही है, रीजन बताओ कैसे। रीजन ये बेहतरीन था, ये कुछ वैसा ही था कि बॉल डाली बैट वहीं, मतलब बैट अपने आप घूमा ना, बैट घूमा वहीं बॉल डाली, है ना, आउट ऑफ स्टेडियम। अपनी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तुम थोड़ी ना बागेश्वर धाम हो, आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करके एकदम मुझे फील हो रहा है, अंदर से विचार आ रहे हैं मुझे, है कि नहीं। ऐसे थोड़ी ना करना है, क्योंकि अपना वाला गलत हो जाएगा, उनका तो सही होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन अपना गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और बताओ फटाफट बोलो, बोलो, तीनों में कंफ्यूजन है, इधर से बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग, देखो भाई अब बताओ, इधर भी ट्राई करें। अब तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आ रहा है, अब एक और नया हो गया ना कि फर्स्ट इज रॉन्ग, बता बोलो तुम, मैसेज बोल,
टच अनकाउंटेबल के साथ में यूज नहीं हो सकता, नहीं होगा। अरे भाई जब सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए यूज हो रहा है तो फिर अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो जाएगा। हाँ टच मिलके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हो जाएगा, ये तीनों ही करेक्ट है, समझ रहे हो ना, क्या है तीनों ही करेक्ट है। रीजन क्या है, केवल एक छोटी सी बात, अच्छा बॉय लिखा हुआ है तो उसमें आर्टिकल आ गया इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है वो सिंगुलर दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या है, सच बॉयज वहां पर एस लगा हुआ है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा लिखा होता सच टू बॉयज फाइव बॉयज तब भी हम लोग कह देते। इसके बाद में सच में अनकाउंटेबल नाउन के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है कि नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। बढ़े आगे, अब अगला देखिए, कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन का प्रयोग किया प्रयोग करते हैं, सच और एनी, ये तो हो गया ना हमारा। हाँ देखो, परंतु एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन के लिए किया जाता है, एनी अदर। अच्छा मुझे ये बताओ दोनों के लिए साथ में क्यों किया जाता है, क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास था एनादर, दूसरा था हमारे पास अदर, एनादर के साथ में कौन सा कर रहे थे हम, सिंगुलर, अदर के साथ में कौन सा कर रहे थे प्लूरल, अब हमारा क्या आ रहा है एनी अदर, तो इसके लिए एक हिंट कुछ इस तरीके से ले लें। देखो एनी किसको दर्शा रहा होता है और अदर किसको दर्शा रहा है, और दोनों साथ में जुड़ जाए तो अब किसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, दोनों भी ये। हाँ परंतु एनी अदर का प्रयोग सिंगल और प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ में हमेशा नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, क्या ये थोड़ा टफ हो जाएगा हम लोगों को रिमेम्बर करना, क्या कोशिश करें, नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क। एक्चुअली मैं तुम्हें जहां तक मेरा अनुमान है उसके हिसाब से तुम देखूँ कि अक्सर तुम जब भी एनी अदर का प्रयोग करोगे तुम खुद भी अपने तरफ से महसूस करना अपने आप जो सेंटेंस तुम बनाओगे ना वो नेगेटिव ही होगा, क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, येट का प्रयोग किया हम लोगों ने, येट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सेंटेंस कहाँ जाता है, नेगेटिव ही जाता है, बस रिमेंबर करने के लिए इतना है। आप खुद से भी करोगे तो आप बनाकर देखना तो माइंड में भी आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, चलो वापस से फिर से लॉजिकली पूछते हैं दोनों सेंटेंसों में कौन सा सही है, अब फिर से फंस गए बताओ फटाफट कौन सा सही है, एक बार में, अब बीच में नहीं बोलना प्लीज, मजे लो थोड़ा दूसरों में, कौन सा सही है, अब जागा है वो नींद से दोनों सही है, क्यों दोनों सही है, दोनों सही है, क्यों आज मैं क्या क्लास में ऐसे ही था तो मैंने क्लास में कुछ लड़कों से ऐसे क्वेश्चन किए तो मैंने एक क्वेश्चन गलत मारने पर मैंने उनको मारा और फिर मैंने एक लड़की से क्या है उसने दो आंसर सही दे दिए और मैंने तीन बार भी क्वेश्चन किया तो मेरे से बोलता है कि सर आपने उनसे तो है ना दो दो की एक एक क्वेश्चन किए थे तुमने मेरे तीन कैसे किए थे, सर ये क्यों वाला था तुमने उनसे तो नहीं पूछा तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या है बताओ फटाफट, दोनों सही हैं, क्यों सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल क्या है, समझ गए हो ना, बस इसी चीज को गौर करते चलना, इसको क्या है ये किस तरीके का आती नेगेटिव तो बनती है, सिंगुलर प्लूरल पर गौर कर लेना बस, और क्या है इसको सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में अगर एरर आ जाए उसको क्या नहीं कर देना है, एरर डिटेक्ट नहीं कर देना है, डिटेक्ट कर लो तुम एस लगा है। निम्नलिखित स्ट्रक्चर को याद रखें भाई, ये कुछ स्ट्रक्चर है इनको देखें, आ इस ए एन और अ सर्टेन दिस दैट अनदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल, अब यहाँ पर क्या है इनके साथ में हम हमेशा क्या करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, सर्टेन के साथ में क्या लगा हुआ है ए लगा हुआ है, अगर ए लगा है तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करें, बाकी तो आपको मालूम नहीं है सब, मालूम है कि नहीं इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा क्या ऐसा नहीं है कि इनके पहले भी एक और ध्यान में रखें,
अनादर इनके साथ में क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते दिस इज मिल्क, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ फटाफट, आप फंस गए तो बताओ। अगर मैंने सेंटेंस बोला दिस इज मिल्क तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्यों सही है और गलत कैसे भाई? अभी हमारा स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि ए एंड्स आर सर्टेन दिस दैट अनदर, इनके बाद में इनके प्लस में क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। वही तो फंसाने के चक्कर में तो बोल ही रहा हूँ। बताओ, वो कंफ्यूज करने के लिए है, बोलो रॉन्ग। मतलब इससे समझ सकते हो मतलब नहीं कि हिंदुस्तान जनता कितनी बोल रही नहीं है, समझो थोड़ा सा इधर उधर कर दो फंस जाते हैं बेचारे, है ना? वो तुमने सुना हो इतने ही बोले हमारे देश की जनता, सुना हुआ जीएसटी वाला सिस्टम कि सरकार ने क्या किया भाई, एक चीज आती है जो 100 रुपए की है, कितने रुपए की है? 100 रुपए की, उसकी क्या की गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी और कर दी 200। अब क्या है, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन कर दिया, आंदोलन कर दिया कि इतनी ज्यादा महंगाई कर दी आपने, डबल कर दिया इसको, है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया, 15 घटा दिए, ठीक है? अब कितने की हो गई लोग, और लोग खुश हैं, मतलब उनको इस बात का दुख नहीं है। यही हमारी एक कुआ था, उसमें एक मेडिक जिंदा था, मतलब है ना 8 मेडिक थे, उनमें से 7 मर गए, बताओ कुएं में कितने मेडिक थे? तो हमारे इंडिया की जनसंख्या उतनी बोली है बेचारी, क्या बोल देगी बताओ, समझ रहे हो ना? इतनी बोले हैं हम लोग, फंस जाते हैं। इस सेंटेंस का, इस रूल का, इस सेंटेंस से कोई लेना देना ही नहीं, पहली बात तो ये, क्या लेना देना नहीं है भाई यहाँ पर नाम के बारे में। ये तो क्या है, ये यहाँ पर जो दिस का प्रयोग किया वो तो मतलब प्रोनाउन भी तो हो सकता है, एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता फिर, समझ पा रहे हो ना? ये तो यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसका तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। अभी हम लोग कह रहे थे ना दिस पैन, समझ रहे हो ना? तो वहां पर अब सेंटेंस देखो, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ दिस मिल्क, दिस मिल्क इज वाइट? अब बताओ सेंटेंस, अब फंस गए दोबारा, बोलो अब बोलो फटाफट, बोलो जल्दी से, दिस मिल्क इज वाइट, मिल्क तो वाइट ही होता है, सही है? बोलो फटाफट बोलो, सही है कि गलत है? हाँ कैसे भाई, स्ट्रक्चर तो हमारा ये कह रहा है कि इनके साथ में क्या करें, ए एन अ सर्टेन दिस दैट अनदर, प्लस क्या आना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बता चलो, इस ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है? कितने लोग, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, बहुत ही सरल है, उसमें कुछ बहुत मतलब ज्यादा टफ नहीं, बताना नहीं है एक दूसरे को प्लीज, अगर किसी को आ गया हो तो एक दूसरे को बताना नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे क्या करोगे, कॉमेंट में, ठीक है कि नहीं? वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मुझे कहाँ भेजोगे, देखते हैं कितने लोगों का सही निकलता है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है? बढ़े आगे, बाकी ये क्या थे हम लोग, ये वाला रूल हम लोग ध्यान में रखते चलना, है ना? आई मेट अ सर्टेन बॉय, अ सर्टेन बॉय, यहाँ पर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, यहाँ पर ये हमारा क्या है, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसमें क्या है, करेक्ट। सच प्लस द सेम प्लस एनी प्लस द अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, भाई इससे पता चलता है सच, एक वर्ड आगे क्या ही देख रहे हैं, सच है, सच किसके लिए प्लस यूज करो, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, द सेम सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए, और क्या है एनी प्लस द अदर, द अदर, अदर क्या कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, द किसके लिए यूज किया जाता है बताओ, डेफिनेट के लिए यूज किया जाता है, वहां पर उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों काउंटेबल। अब बताओ यहाँ पर, आई डोंट लाइक सच अ बुक, आई डोंट लाइक सच अ बुक, और आई डोंट लाइक सच बुक, क्या होगा भाई? और यहाँ से क्वेश्चन होने की गुंजाइश ऑलमोस्ट होती ही होती है, क्योंकि अभी पढ़ते हुए ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो ना?
क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों हो सकता है, और लेकिन ध्यान रखें इसमें भी क्या कॉमन क्या है, इसमें काउंटेबल कॉमन क्या है, काउंटेबल है, इस पर गौर करते चलना भाई, कॉमन क्या है हमारे पास, काउंटेबल है, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन कॉमन हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन। अब यहां पर दिस इज द सेम बुक, दिस आर द सेम बुक, अच्छा एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, दिस आर द सेम बुक, बताओ मुझे कितने लोग इस सेंटेंस में क्या दिक्कत, बताना मतलब अपने से चेक कर लो, दिस आर द सेम बुक, क्यों क्यों आर की जगह क्या आएगा, समझ रहे हो ना, पकड़ लिया उसने, क्या आएगा इज आएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में इज आना चाहिए, अगर यहाँ पर आप बुक लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज, या फिर अगर यहाँ पर आर लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएं, एस लगाएं, समझ रहे हो, इतना माइनर सा, दीज आर द सेम बुक्स, इधर दीज लगा हुआ है, सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट, इनमें से चारों ही सही है, पढ़े आगे, सच अनकाउंटेबल के साथ में यूज हो जाता है ऐसा, हाँ तो यहां पर अनकाउंटेबल कुछ है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, देखो इसमें भी एक कंडीशन है कि इसको इस तरीके समझना, जब सच का प्रयोग, सच के सेंस में प्रयोग किया जाता है, अच्छा ये बताओ, हाँ अगर सच के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, सच के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, लेकिन अगर वो सच के बाद में यहां पर बता रहा है, मतलब वो वहां पर डेमोंस्ट्रेशन बताने के काम में आ रहा है, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चीज है, कि सच के बाद में, देखो यहां पर सच के बाद में अगर आपका क्या है नाउन आ रहा, जैसे कि यहाँ पर सच है ये, इसके बाद में नाउन आ रहा, अगर वो नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों पॉसिबल है, हाँ सच मिल्क सही था ऐसा, हाँ उसको अपन लोग क्लियर करेंगे और, है ना, उसको अभी हल क्लियर कर लेते हैं, कि सच, वैसे सच क्या है कि इस टाइप के अपन सेंटेंस बनाते हैं ना, अभी हाल मैंने बोला था कि दिस इज मीन्स दिस इज मिल्क, वो अभी जो सेकंड अपन लोगों ने तुम्हें बोला ना कॉमेंट में लिखा, वो भी इसी से मिलता जुलता हुआ है, अगर डेमोंस्ट्रेशन में हमारा बताने के काम आ रहा होता तो वहां पर हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल से फर्क नहीं पड़ता, काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है, अगर डेमोंस्ट्रेशन बताने के काम में आ रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा सेंटेंस था सच मिल अपन उस पर गौर करेंगे एक बार और तो क्लियर कर लेंगे उसको कि वो क्या है उसका, वो यहाँ पर कोई सा दिख रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पर नहीं, कहाँ था अपना पीछे, इसके पीछे नहीं, सच मिल यहाँ पर एक्चुअली में पूरा सेंटेंस ही नहीं, अगर पूरा सेंटेंस होगा तब भी अपन लोग उसको क्या करते हैं, इनकरेक्ट करते, केवल यहाँ पर भी वो सच है ना, डेमोंस्ट्रेशन के चक्कर में हम लोग सही कर रहे हैं, एक्चुअलिटी में क्या है ये पूरा सेंटेंस होता ना तो फिर हम लोग क्या है, ये केवल कितना है सच वॉइस, तो ये यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, इफ समबडी विल यूज, तो अगर हम लोग यूज करें तो ये केवल इतना यूज करें हम लोग सच वॉइस तो ये किसको दर्शा रहा है, क्या डेमोंस्ट्रेशन को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा ना, डेमोंस्ट्रेशन को दर्शा रहा है, यहाँ पर ऊपर लिखा है सच अ बॉय तो ये क्या डेमोंस्ट्रेशन को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा, उसी सेंस में यहाँ पर सही किया, कोई मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सच में थी यहाँ पर क्या, वो डेमोंस्ट्रेशन केवल इतना ही, अगर वो कोई वहाँ पर उसके आगे पीछे भी सेंटेंस होता ना तब भी अपन क्या करते उसको मतलब थोड़ा सोचते कि वो वहाँ पर गलत है या नहीं, अदरवाइज इसलिए तो नहीं यहाँ पर इसको सही कर दिया, डेमोंस्ट्रेशन मतलब समझते हो ना, अगर हम लोग क्या है मैंने यहाँ पर इशारा कर दिया कि सच मिल तो वहाँ पर क्या है डेमोंस्ट्रेशन के चक्कर में उसको क्या कर रहे हैं हम लोग सही और भी इसको क्या करूँगा क्लियर कर दूंगा, ठीक है यहाँ पर भी मैंने इसी चक्कर में उसको क्या किया सही, यहाँ तक पहुँच गए ना हम लोग कि आगे हम लोग क्या है चल करेंगे।